क्या आ रहा है ये? नेटवर्क सिग्नल्स फ्रॉम चाइना डिटेक्टेड ओ रोमिंग डेटा पैकेज इज रिकमेंडेड दैट लेट्स यू एक्सेस द इंटरनेट विदाउट अ सिम कार्ड। लास्ट विलेज कहाँ पे है? लास्ट विलेज हाँ यही है। कहाँ तक जा सकते हैं आगे? अब यहाँ से तो उधर 90-50 लोग होगा। हाँ ऑफ ओवर नॉर्थ ईस्ट राइड। तो हम लोग अभी जा रहे हैं जिमीथांग विच इज़ बेसिकली ऑन भूटान बॉर्डर। सो द डिस्टेंस इज 87 एंड यहाँ से हम लोगों को टाइम लग जाएगा लगभग 3 घंटा। तो दो रास्ते हैं, एक जाता है माधुरी लेक होते हुए और एक और पीछे साइड से जाता है, बट माधुरी लेक साइड में एक्चुअली बर्फ रहेगा तो हम लोग शायद वो वाला अवॉइड करेंगे। एंड लेट्स सी, अगर हो पाया तो वो भी कर लेंगे। आज वाला भी चिल राइड है। आज भी हम लोग तवांग में स्टे कर रहे हैं एंड पीछे देख लो सारा, मतलब अपना बाइक वाइक सेट हो चुका है। अब यहाँ से निकलते हैं, बाकी बातें मिलते हैं राइड पे। यहाँ से जो राइड है वो है जिमीथांग तक का एंड आप लोगों ने पिछले वाले ब्लॉग में देखा होगा तो हम लोग गए थे तवांग मॉनेस्ट्री में जो कि वहाँ पे है एंड देर इज़ वन मोर बुद्धा स्टैचू ओवर देयर, तो वहाँ पे गए थे। एंड अभी यहाँ से निकल के हम लोग देन जाने वाले हैं जिमीथांग। तो अगर आप लोगों ने पिछला वाला ब्लॉग नहीं देखा है तो पिछले वाले ब्लॉग से जाके देखो आई नोटिफिकेशन में। एंड बहुत ही मज़ेदार ब्लॉग था, कल मज़ा भी आया था घूमने में काफ़ी। तो अभी यहाँ से माधुरी लेक वाला जो रास्ता है दैट इज़ फुल स्नो कवर्ड, तो अभी पता नहीं है वहाँ से जाने देंगे कि नहीं, क्योंकि उधर ही साइड से ही बुमला पास का भी रास्ता कटता है। सी अभी यहाँ से निकलते हैं, देन उसके बाद में आप लोगों से आगे जो राइड है उसका डिटेल शेयर करते रहेंगे। तो वॉच दिस वीडियो टिल एंड एंड मज़ा आएगा, आज वाली राइड भी बहुत अमेजिंग रहने वाली है, तो बने रहिए साथ में। सो दिस इज कांगटिंग रोंग ब्रिज। ओके, तो अभी वैसे धूप तो काफ़ी आ गया है तो ठंडा नहीं लग रहा है। अभी यहाँ का टेम्परेचर चल रहा है 12 डिग्री, तो अभी थोड़ा सा कम्फर्टेबल है बेसिकली। और अभी मैंने क्या किया ना, वैसे पहन लिया है क्योंकि वापस आते टाइम में मे बी, क्योंकि 9 o'clock हो चुका है और देखो यार मतलब 15,000 मेरा हो चुका है इस बाइक पे। काफ़ी बाइक चलाई है मैंने, जब मैंने बाइक ये ली थी तब था इस पर 7,500 एंड तब के बाद में अभी सिर्फ 2-3 महीना हुआ है। और यहाँ पे थोड़ा सा इस रोड पे ये प्रॉब्लम है कि यहाँ पे थोड़ा देख के चलाना है क्योंकि काफ़ी सारे एनिमल्स हैं बीच में एंड साथ ही में यहाँ पे जो बाकी लोकलाइट जो गाड़ी चलाते हैं ना बहुत ज़्यादा स्पीड में आते हैं क्योंकि दे आर कम्फर्टेबल विद दीज रोड, बट हम लोगों को नहीं पता है। तो एनीवेज यहाँ से जो दिखा रहा है लुंगला दैट इज़ 26 किलोमीटर्स, तो हम लोगों को ऐसे ही छोटा छोटा विलेज क्रॉस करके जाना रहेगा। बट अगर आप लोगों ने अरुणाचल प्रदेश की राइड का अगर जो मेरा ट्रेलर नहीं देखा ना, डू वॉच इट, यू विल डेफिनेटली लव इट। मैंने थोड़ा सा ट्राई किया है कि थोड़ा सा एक मूवी काइंड ऑफ ट्रेलर में बनाने का, सिनेमैटिक फुल। तो अगर आप लोग नहीं देखा है तो डेफिनेटली चेक इट आउट। अगर नहीं आप लोगों ने देखा है तो डेफिनेटली चेक आउट ऑन माई इंस्टाग्राम ID विच इज़ नदी मलवी 93। एंड वन मोर थिंग कि मेरा जो चैनल था दैट वॉज विकेट राइडर, तो उसकी वजह से मतलब एक्चुअली काफ़ी सारे इशू आ रहे थे। एक्चुअली एक और कंपनी है विकेट राइड नाम से, तो विकेट राइड नाम से कंपनी है तो उसको फिर मेरे को चेंज करना पड़ा। एंड ऐसे किस कंपनी की तरफ से वो नहीं आया था मेरे को कि भाई नाम चेंज करो, बट ओनली थिंग इज़ पीपल वर गेटिंग कन्फ्यूज, मतलब बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रहा था लोगों को, तो दैट्स वाई आई चेंज्ड इट। सो माई चैनल नेम इज़ नाउ नदी मलवी। आई एम गोइंग टू चेंज ऑल द टैग्स सून, मतलब जो भी टैग्स रहेगा सारा चेंज होगा। तो आप लोगों को नदी मलवी सर्च करोगे तो आप लोगों को सारे ब्लॉग्स आ जाएंगे मेरे। सो गाइस देखो ये वाला जो रास्ता है ये तो पूरा भर भर के ऑफ रोडिंग है अगर आप यहाँ से जा रहे हो तो, और बीच में जैसे छोटा छोटा सा व्यू सीनरी मिलता रहेगा। एक और रास्ता जो माधुरी लेक वाला बताया था दैट इज़ गुड एक्चुअली, बट अभी बहुत ज़्यादा स्नोफॉल हुआ है उस रास्ते में तो उसकी वजह से हम लोग वो वाला रूट नहीं ले पाए। तो भाई लोग अगर आप इस रोड से कंफर्टेबल हो तो ही जाना, नहीं तो बहुत ज़्यादा मुश्किल है। ये देखो कैसे कैसे पूरा रोड आ रहा है।
बहुत ही ब्यूटीफुल से लोकेशन में रुके थे हम लोग, ये है लुंगला। तो यहाँ पे एक बोर्ड लगा हुआ है, पूरा कंस्ट्रक्टेड नहीं है बट अच्छा था, फोटो वोटो लिए। एंड अभी हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं आगे। तो कल का सीन कुछ ऐसा है कि कल हम लोग निकलेंगे अगेन सेला पास, अगेन सेला पास क्रॉस करते हुए टुवर्ड्स दिरांग, ट्राई करेंगे तेजपुर तक कवर करने का, क्योंकि हम लोगों का प्लान थोड़ा सा तिनसुकिया और डोंग वाली साइड में भी है कवर करने का। तो जैसा भी रहेगा देखेंगे, अब वर्स्ट केस अगर नहीं तेजपुर तक स्ट्रेच कर पाते हैं हम लोग क्या करेंगे कि वहाँ से हम लोग या तो बोमदिला में रुक जाएंगे या फिर किसी और मतलब दिरांग में ही होटल स्टे लेके रुक जाएंगे, क्योंकि डेज़ का थोड़ा सा शॉर्टेज है। हम लोग ट्राई कर रहे हैं, आप देखो जैसे यहाँ पे हम लोगों का ये वाला डे था अनप्लान्ड था, तो हम लोगों ने सोचा नहीं था। एक्चुअली हम लोग सोचा था कि जिस दिन पहुँचेंगे तवांग उसके अगले दिन ही हम लोग बुमला पास करेंगे। तो देखो गाइज यहाँ पे लगा हुआ है बोर्ड वेलकम टू लुंगला, इधर से जेमीथांग, इट्स JEMEITHANG, जेमीथांग इज़ 54 किलोमीटर्स। तो हम लोगों को यहाँ से स्ट्रेट ही जाना है। जेमीथांग का JEME है, यहाँ पे बोर्ड पे JEMEITHANG लिखा हुआ है। विच रोड इज गोइंग टूवर्ड्स जेमीथांग, दैट डाउन वन, हाउ इज़ द रोड? देखो गाइस तो एक बहुत ही ब्यूटीफुल सी जगह मिली है, पूरा यहाँ से वाटरफॉल आ रहा है। एंड बेसिकली ये स्ट्रीम को यूज़ करते हैं वो प्रेयर वाला व्हील रोटेट करने के लिए। लवली, आई नेवर सीन दिस बिफोर, तो मस्त लग रहा है। चलो नाइस, दैट वाटरफॉल, वाटरफॉल बोल रहे थे ना ऑन द वे टुडे? नो आई डोंट थिंक सो, नॉट दिस वन। ब्यूटीफुल सी रोड शुरू हो गई है यहाँ पे, एंड होपफुली जो उधर वाला पहाड़ी दिख रहा है लेफ्ट साइड में वो ही भूटान बॉर्डर के पास में है। तो जेमीथांग 25 किलोमीटर्स दिखा रहे थे, देखो तो जेमीथांग 25 किलोमीटर्स है, इसका मतलब पहाड़ी पे रास्ता लोगे तो हार्डली दो तीन पहाड़ी क्रॉस करके जो रहता है वही डेस्टिनेशन रहता है। तो इधर से 25 किलोमीटर्स क्रॉस करके हम उधर ही पहुँचेंगे, और जो भी रहेगा लास्ट विलेज में हम लोग जाने वाले हैं जेमीथांग। बहुत ही ब्यूटीफुल है यार, मतलब अलग लेवल का एक्सपीरियंस होगा। देखो एक मैंने लास्ट विलेज की है थांग, सो बेसिकली थांग इज़ टुवर्ड्स पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। तो थांग विलेज किया हुआ मैंने, एंड उसके बाद में एक ये विलेज हो जाएगा जो कि भूटान के पास में पड़ जाएगा। देन हम लोग अभी बिल्कुल ईस्ट का लास्ट विलेज जाएंगे जो कि पड़ेगा तिनसुकिया के बाद में, तो आई थिंक सो डोंग है वो विलेज, तो वहाँ पे जाएंगे। तो देखो हर जगह का कॉर्नर कॉर्नर का विलेज हो जा रहा है एक बार। तो ऐसे ही करके कन्याकुमारी में जा चुका हूँ ऑलरेडी, और बस मेरे को राजस्थान और गुजरात साइड का एक कोई सा मतलब जो भी लास्ट विलेज रहता है राजस्थान या फिर गुजरात में वो कवर करना पड़ेगा, आई थिंक सो गुजरात में ही रहेगा। ये देखो यार क्या नज़ारा पड़ा है, ओए होए 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 होए, वाटरफॉल्स, दो वाटरफॉल्स है वो भी, एक इधर से एक उधर से, क्या मस्त वाला नज़ारा यार यहाँ पे, लवली प्लेस। काफ़ी हाइट से पानी गिर रहा है यहाँ पे, अमेजिंग। एक दो फोटो निकालते हैं यहाँ पे, इंस्टाग्राम पे शेयर कर देंगे, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, माई इंस्टाग्राम आई डी इज़ NadeemAlvi93। तो अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल क्लोज टू रिवर, ये देखो ये ब्रिज बन रहा था शायद, बन नहीं पाया पूरा। एंड दिस इज़ न्यामजांगचू ब्रिज। लवली यार क्या पास से पानी जा रहा है, अभी हम लोग यहाँ पे रुके हुए हैं। एक जेमीथांग से जस्ट 3 किलोमीटर्स पहले एक जगह पड़ता है, बहुत ही ब्यूटीफुल है। बेसिकली ये वाला जो मॉनेस्ट्री दिख रहा है आप लोगों को, दिस इज गॉड्स मॉनेस्ट्री, एंड
ये वाला जो आप लोगों को ब्रिज दिखा रहा हूँ मैं अभी, दिस वन इज कॉर्सम जीपेबल सस्पेंशन ब्रिज इनॉग्रेटेड बाई श्री पेमा कंदू 27 जनवरी 2019। तो बहुत ही ब्यूटीफुल सा था, वैसे है उस साइड में, उस साइड में कुछ नहीं है, मे भी शायद विलेजर्स के लिए बनाया होगा, बट ओनली थिंग इज यहाँ पे जो नज़ारा है ना बहुत ही ब्यूटीफुल है। यहाँ से पूरा जो अपना वाटरफॉल हो रहा है, तो इधर से जो अपना पूरा पीछे वाटरफॉल दिख रहा होगा ना आप लोगों को, बहुत ही मस्त वाला, मतलब यहाँ पर अलग वाइब आ रही है। थोड़ा सा रुकने का मन कर गया तो रुक गए, वैसे तो अभी 12 बज जाएगा था, 12 बजने के बाद में यहाँ पे टेम्परेचर बहुत ड्रॉप होता है क्योंकि सूरज का रेज नहीं पड़ता है। एनीवेज यहाँ से निकलते हैं, यहाँ से निकलता हूँ, देन आप लोगों को दिखाता हूँ जिमी थैंग एंड उसके बाद में हम लोग चले जाएंगे होटल वापस। तो यहाँ से जो जिमी थैंग है दैट इज़ बेसिकली जस्ट 2.5 किलोमीटर अवे, और बहुत ही स्नो भरी माउंटेंस है भाई साहब यहाँ पे, मेरे को देख के ठंडा लग रहा है क्योंकि अभी वापस जाने में अच्छा खासा ठंडा रहेगा। मैप निकालूं, मैप चलेगा कहाँ से? जिमी थैंग आगे रहेगा, ये तो ये डिफेंस यूनिट है। आजा 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 आजा, आगे ही रहेगा। ओए हुई 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 हुई, वो ब्रिज देख रहे हो भाई लोग, ये ओ गड्ढा आ गया, गड्ढा आ गया भाई, यहाँ देख के चलाना थोड़ा सा। और स्मॉल विलेज, ब्यूटीफुल विलेज, बहुत ही मज़ेदार है। हेलो तो ये पैदल वाला है, ऊपर वाला है बाइक्स के लिए। नीशू ब्रिज, दिस नीशू ब्रिज 28 अक्टूबर 2017 में इनॉग्रेट हुआ था। ओ तो यार बड़े क्यूट है, कुछ कुछ। अरे मैं तो कुछ किया भी नहीं भाई, ऐसे ही चिल्ला रहा है आवाज से डर गया बाइक की बेचारा। जिमी थांग किधर है? जिमी थांग वो जो ऊपर विलेज दिख रहा है वो वाला है, जा सकते हैं ना वहां तक? ठीक है ठीक है, थैंक यू। चलो फाइनली यार, मतलब लास्ट विलेज तक आ ही गए, प्लान बनते ना बनते, बनते ना बनते ऐसा रहा। थोड़ा सा देख के इधर आना है, देखो आज इसलिए मैं लाइट वेट कैरी कर रहा था, मुझे पता था थोड़ा बहुत ऑफ रोडिंग रहेगा, बाकी ड्रोन व्रोन अगर कैरी करता, अगर ड्रोन और वो सब सेटअप मैं कैरी करता तो बहुत ज़्यादा हैवी हो जाता है। एंड इवन अभी मैंने आईफोन लिया है तो कुछ अभी क्वालिटी है डेफिनेटली आप लोगों को अच्छी लगेगी, क्योंकि मैक्सिमम जो रील्स हैं फ़ोन से ही बनती हैं। एक और तो लास्ट विलेज आ गई है, एक और नहीं मतलब आई मीन लास्ट विलेज है, तो यहाँ से कहाँ तक जा सकते हैं नॉट श्योर, चलते चले जा रहे हैं वैसे तो। एक्चुअली आसपास में काफ़ी छोटे छोटे विलेज है, बट यार वहाँ पे देखो भाई साहब, मतलब क्या अलग लेवल का स्नो पड़ा हुआ है पूरे में। सो गाइस देखो एक और विलेज पड़ा है यहाँ पे, अब ये भी पता नहीं है लास्ट विलेज है कि नहीं। अरे यार ये गिटार वाली लकड़ी की स्मेल आ रही है यहाँ से तो ये देखो, और किससे पूछे यहाँ पे तो लोग भी नहीं दिख रहे कि कौन सा है भाई लास्ट विलेज, यहीं कहीं रहेगा मे बी। अबे एक भी लोग नहीं है, सिर्फ कपड़े टंगे हुए सूख रहे हैं बस, कोई है ही नहीं। बट यार पानी देखो क्या हरा वाला, मतलब बिल्कुल बिल्कुल ब्लू पानी है, लवली। हाँ अभी लोग आ रहे हैं यहाँ पे,
इनसे पूछते लास्ट विलेज कौन सा, यही है। ये लास्ट विलेज कहाँ पे है? लास्ट विलेज, हाँ यही है। कहाँ तक जा सकते हैं आगे? अब यहाँ से तो उधर 90 लोग होगा। हाँ तो वहाँ पे गेट मिलेगा आपको, वहाँ से बता देगा। ओके, कितना दूर है यहाँ से? 10 किलोमीटर तो मुझे मालूम नहीं, लेकिन आधा घंटा में पहुँच जाएगा बाइक। आधा घंटा लगेगा। ओके ओके, तो उधर जाके कुछ है कि ऐसी है, खाली है? ऐसा नहीं, सिर्फ पोस्ट का गेट। ओह अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, ओके थैंक यू। देखो यहाँ से कुछ आगे जाके तो कुछ नहीं है, सिर्फ बॉर्डर है। तो सो गाइस, अभी यहाँ से हम लोग एक लोकेशन तक और जा सकते हैं, वो है लॉक ब्रिज। उसके आगे जा तो वैसे ऊपर तक भी सकते हैं, बस हम लोग के पास टाइम कम है। अभी हो रहा है 12:22। अरे मेरा तो टाइम नहीं चेंज हुआ, नेटवर्क नहीं है। हाँ चलो चलो चलो। हाँ अबे तो फिर एक जने, चल आ जा आ जा आ जा। चलो थोड़ा सा तो आगे होके आएंगे, देखते हैं क्या है। अगर रोड ज्यादा खराब रही तो वापस आ जाएंगे। हेलो 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 नहीं हो पाएगा। रोड बहुत खराब है, ऑफ रोड है पूरा। चलो चलो वापस चलो, कुछ फायदा नहीं है। ये ट्रक चलने लायक ही है बस, ऑफ रोडिंग बाइक होता तो चलते। ओह एनीवेज, हैं रास्ता यही है क्या? बहुत खराब है ये, पूरा बड़ा बड़ा पत्थर है पूरा आगे। हाँ रास्ता खराब है। वो ना ट्रक को रख के लायक है, अपने बाइक से नहीं हो पाएगा। हाँ तो अभी ये मे बी रोड कंस्ट्रक्शन चल रहा है, बाद में कभी बनेगा तो आएंगे। चलो बट ठीक है, लास्ट विलेज तो देख ही लिया कौन सा था, के माने। अभी क्या लंच वंच करने का प्लान है कहीं पे? किधर पे है? वो तो अभी काफी डिस्टेंस पे है। अच्छा ठीक है चलो चलते हैं। किसके पास? स्तूपा के पास। अच्छा वो फिर से रुकना है वहाँ पे। ओहो ये क्या आ गया, क्या आ रहा है ये? नेटवर्क सिग्नल्स फ्रॉम चाइना डिटेक्टेड, ओ रोमिंग डेटा पैकेज इज रिकमेंडेड दैट लेट्स यू एक्सेस द इंटरनेट विदाउट अ सिम कार्ड। ओहो देख रहे हो भाई लोग कितना पास है हम लोग चाइना के। चाइना अभी 3:12 है चाइना का टाइम। ठीक है, वैसे भी ऑफिस खुलने वाला है 1 मार्च से। हम लोगों को मेल आ गया था, सोच रहे एक और एक कुछ वेरिएंट नया आ रहा हो तो या पूछ के आते कब नेक्स्ट वर्जन रिलीज कर रहे हैं। देखो अभी चाइना का टाइम है। ऑलराइट गाइस, तो अभी हम लोग यहाँ पे पहुँचे हैं जिमीथांग के आगे, एक और बेसिकली विलेज है। एंड हम लोग वहाँ तक बिल्कुल एंड तक होके आए, एंड उसके बाद में वहाँ पे भी अपना इंडियन आर्मी का पोस्ट रहता है तो वहाँ तक जा सकते थे। बट ओनली थिंग इज कि अभी सीन ऐसा है कि टाइम हो चुका है 12 o'clock, एंड हम लोग वापस भी पहुँच रहे हैं। सनसेट जैसे हो जाएगा उसके बाद में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ने लग जाएगा, मतलब टेम्परेचर काफ़ी गिर जाएगा। तो आज का राइड बस इतना ही, यहीं पे ख़त्म करते हैं। एंड व्लॉग अगर पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टेक केयर, बाय बाय, सी यू इन नेक्स्ट व्लॉग।